एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खुशमित ऑफिशियली। मैं खुशबू, मेरे पति अमित, हम दोनों मिलके बने खुशमित। आज है फोर्थ डे की शॉपिंग ब्लॉग, शादी का शॉपिंग ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ये ड्राइवर का भाई है। ये जब वो थक जाएगा, बोला जब ये थक जाएगा तो ये सेकंड ड्राइवर काम करेगा। करते हुए हम पहुंचे पटना मार्केट। पटना का चूड़ी मार्केट कहें या खेतान मार्केट कहें या दरियापुर कहें, सब आसपास ही हैं। यहाँ हम आए हैं शादी के लिए दौरा खरीदने, कुछ भी जो शादी में ज़रूरत होता है सामान। मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में मैं क्या क्या खरीद रही हूँ, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, किस लिए खरीदा जाता है वो सामान, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग में बने रहिएगा, कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कंटिन्यू कर रही हूँ इस ब्लॉग को। कंटिन्यू करने से पहले, ब्लॉग को आगे देखने से पहले, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि फिर आप लोग वीडियो देख के करटी मर जाइएगा, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दौरा देख रहे हैं। दौरा इसलिए क्योंकि मेरे भाई की शादी है, तो धनवट्टी होगा, शादी होगा तो दौरा जाएगा। दौरा जाता है हिंदू रिवाज में, मुस्लिम में भी जाता होगा पता नहीं, पर हमारे हिंदू रिवाज में जाता है। तो जितने दौरे जाते हैं उसके लिए मैं वो दौरा खरीद रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ। दौरा का कलर एक से एक था, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर का दौरा था, पर हमने 3 कलर चूज़ किए, वो शादी में आप लोग को पता चल ही जाएगा। यहाँ पर ये अंकल जी ये बोर्ड निकाल रहे हैं, जो किस चीज़ के लिए मैं यूज करूँगी वो जब मैं ये यूज करूँगी तब मैं बताऊँगी। फिलहाल मैंने ये लिया है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। यहाँ पे पतिदेव शादी में भैया को पहनाने के लिए ये पैसे का माला देख रहे थे, पर मैंने कहा ना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो छोड़ दिया गया। यहाँ दौरा सिलेक्ट हो रहा है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से दौरे थे, छोटे दौरा, बड़ा दौरा, प्लस मेकअप किट देने के लिए भी दौरा था जो हमने बाय किया यहाँ से। बहुत कुछ तरह का वैरायटी था यहाँ पर, एक से एक प्रकार का सामान था जो हमने सोचा भी नहीं था, जो हम लेने भी नहीं आए थे वो भी सामान हम आकर यहाँ ले चुके हैं। क्योंकि कुछ होता है ना कि दिखता है तो अच्छा लगता है तो इंसान बाय कर लेता है, बस वही हुआ हमारे साथ। हम सोच कर गए थे कुछ लेने के लिए और लेकर आए हैं बहुत कुछ। कुछ सोच कर गए थे लेकिन लेकर आए बहुत कुछ, क्योंकि मार्केट जब आप घूमते हो ना तो आपको एक से एक सामान दिखता है। और आप चाहते हो कि हमारी शादी बेस्ट हो, हमारे घर में जो पहले हो चुका है वैसा ना हो, कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, तो वो डिफरेंट करने के लिए कुछ तो इफेक्ट डालना पड़ता है ना, तो वही इफेक्ट हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ अलग सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक यूज नहीं हुआ, वो चीज़ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you.
फिर हम पहुंचे दूसरे शॉप में, क्योंकि जिस शॉप से हमने ये सारे सामान खरीदे वहाँ पे सिंदूरा का अच्छा कलेक्शन नहीं था। सिंदूरा हमें बेस्ट चाहिए था अपनी भाभी के लिए। सिंदूरा भी खरीदने का एक अनोखा ही रिवाज है हमारे बिहार में। आप जो सिंदूरा सबसे पहले उठा लोगे आपको वही सिंदूरा खरीदना पड़ेगा, तो बहुत सोच समझ कर सिंदूरा उठाना पड़ता है। तो पसंद ना आए तो भाई दूसरे शॉप में चले जाइए, देख लीजिए तब लीजिए। हम लोग सामान खरीदे जा रहे थे और गाड़ी की डिक्की में भरे जा रहे थे। गाड़ी की डिक्की भी बहुत काम की होती है। हमारे शादी की सारी आधा से ज़्यादा शॉपिंग तो गाड़ी की डिक्की में ही रखा जाती है। अगर ये ना रहे तो इंसान कितना सामान लेके चले। तो भाई शॉपिंग करने जाओ तो गाड़ी पर्सनली लेके जाओ तो बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो पतिदेव बोलते हैं यहाँ बैठने का टाइम नहीं है, गाड़ी कहीं नहीं जाएगा, हर जगह पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हमें चूड़ी लेनी थी, चूड़ी के लिए भी मुझे बहुत सारे दुकान घूमने पड़े, क्योंकि जैसी चूड़ी मैं खोज रही थी अपने भाभी के लिए वैसी मुझे मिल नहीं रही थी। फाइनली एक दुकान शॉप मिला जहाँ कुछ कलेक्शन अच्छे थे, पर जैसा मैं चाह रही थी वैसा मिला नहीं। पर कोआ क्या किया जाए, पटना से आगे तो जाना नहीं है, पटना से ही लेना था। तो हमने कुछ चूड़ी सिलेक्ट की भाभी के लिए। यहाँ पापा और मैं सिलेक्ट करने में लगे हुए हैं, मम्मी बहुत थक गई थी इसलिए मम्मी बैठी हुई है साइड में। लास्ट डिसीजन मम्मी का ही था कि क्या लेना है नहीं लेना है। फिर चूड़ी सिलेक्ट करके हम लोग निकले दूसरे जगह शॉपिंग करने के लिए। ये थोड़ा सा मैंने ये कैद किया था, ये कौन सा रोड है पटना का पता नहीं, माइंड में नहीं आ रहा। यहाँ से महावीर मंदिर दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में सजा हुआ महावीर मंदिर। फिर हम पहुँचे इस मार्केट में जहाँ मुझे लेना था मेहंदी का ड्रेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लें। ये ग्रीन वाला ड्रेस जो देख रहे हो, पापा अमित बोल रहे थे कि तुम ये ले लो, पर मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, क्योंकि मेहंदी मेरी नहीं थी, मेरे भाई की थी। मुझे सिंपल ड्रेस चाहिए था, मैं कुछ लाइट वेट में खोज रही थी, क्योंकि हर टाइम हेवी ड्रेस पहनना मुझे नहीं लगता सही है। शादी में भी कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है ना, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी शादी में न्यू चीज़ लेना पसंद करता है, और ख़ुद की भाई की शादी हो तो नया तो चाहिए ही हर चीज़। तो मैं भी यहाँ पे हैंड पर्स लेने आई थी, हैंड पर्स रहे या आपका सैंडल रहे, मुझे हर एक चीज़ नया चाहिए था। तो मैं पहले यहाँ हैंड पर्स देखी, मुझे यहाँ का कलेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अच्छे भी लग रहे थे नहीं भी लग रहे थे। फिर पतिदेव ने एक हैंड पर्स सिलेक्ट किया, मुझे लाइट वेट में ही हैंड पर्स चाहिए था, ज़्यादा हेवी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा तो पर्स में रखना नहीं था कुछ मनी के अलावा। तो मैं ये हैंड पर्स इनको पसंद था अमित जी को, तो मैंने भी इसे ही ओके किया। कुछ और हैंड पर्स मैंने ट्राई किया, पर ये हैंड पर्स जो मेरे अमित जी पसंद किए थे उसके आगे मुझे सब फीके लग रहे थे, तो लास्ट में मैंने उसी को ओके किया। तुम्हारा कुरकुरा रह गया, नहीं लेके लेके चलो, लेके चलो, लेके चल टोकरी ना, सामान मिला, चलो सिंदूरा हो रहा है, मैक्स तुम्हारा न्यू कपड़ा, तुम्हें स्मार्ट लग रहा है मैक्स, तुम तो स्मार्ट लग रहा है एकदम। मैक्स मैक्स हीरो हो गया, देखो ना
मैक्स अपना लुक देख ला रहा है तुम्हारे चढ़ के। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करूंगी, बहुत थक गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।